11th standard students, I will continue with the first chapter, last exercise, 5 ka charo karne ke. So today I am going to explain you that. First question, why is the camel called ship of desert? Camel ko ship of desert, Rajasthan ka jahaj kyun bolte hai? Answer for that question. Camel is called a ship of desert because camel have very long legs to help them to walk in the sand and prevent the heat of the sand from reaching their bodies. कैमल को बहुत लंबे लंबे पैर होते हैं जिससे उनको वॉक करने में इजी होता है और उनको गर्मी से बचाते हैं. सेकंड पॉइंट, दे हैव प्रोमिनेंट बैक और लहम. उसका बैक भी अच्छा होता है, हम भी अच्छा होता है. इट स्टोर्स फूड विथ हेल्प टू सर्वाइव विदाउट फूड इन द डिजर्ट फॉर सेवरल डेज. वो खाना स्टोर करके रख सकते हैं तो इसे कई दिनों बिना खाए भी रह सकते हैं. अनदर इंपॉर्टेंट एडॉप्शन दैट हेल्प द कैमल टू सर्वाइव द डिजर्ट इज एबिलिटी टू कंजर्व वाटर. दूसरा कैरेक्टर क्वालिटी क्या है, वो पानी को स्टोर करके रख सकते हैं अपनी बॉडी में. तो देयर आर टोटल 3 पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट, कैमल हैज वेरी लॉन्ग लेग्स दैट हेल्प टू वॉक इन द सैंड एंड प्रिवेंट द हीट ऑफ द सैंड फ्रॉम रीचिंग देयर बॉडीज. कैमल्स का पैर बहुत बड़ा होता है, लंबा होता है, जिसकी वजह से वो सैंड पर लग चल सकते हैं और अपने शरीर को गर्मी से बचा सकते हैं. सेकेंड है प्रोमिनेंट बैकअप, और हम उसका बैकअप भी अच्छा होता है, हम भी अच्छा होता है. स्टोर्स फूड विच हेल्प टू सर्वाइव विदाउट फूड इन डिजर्ट फॉर सेवरल डेज. वो खाना इकट्ठा कर सकते हैं तो इसके लिए वो बहुत दिनों तक बिना खाए भी रह सकते हैं. अनदर इंपॉर्टेंट ऑप्शन दैट हेल्प्स कैमल टू सर्वाइव इन द डिजर्ट इज एबिलिटी टू कंजर्व वाटर. जो दूसरा एडॉप्टेशन है वो क्या करता है, कैमल को हेल्प करता है सर्वाइव करने में, पानी को कंजर्व करना, पानी को बचाना, क्योंकि कैमल जो है पानी भी स्टोर कर सकते हैं. इज दिस क्लियर? देयर आर 3 पॉइंट्स. नेक्स्ट, तो पहले इस पॉइंट में क्या समझा, पहला वाला पॉइंट में लंबे लेग की वजह से वो गर्मी से बचते हैं. सेकंड पॉइंट, उसका बैकअप और लंप अच्छा होता है, सो फूड स्टोर कर सकते हैं. और दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है, वो पानी को कंजर्व कर सकते हैं. इट हैज़ एबिलिटी टू कंजर्व द वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन द प्लांट्स लाइक कैक्टस एंड एकेकिया लिव इन डेजर्ट विद स्केर्स वाटर. कैक्टा एंड अकेकिया पानी डिजर्ट एरिया में कैसे रह सकते विदाउट वाटर. आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज गिवन, कैक्टस एंड अकेकिया प्लांट्स विद स्टैंड हॉट एंड ड्राई एनवायरनमेंट ऑफ डिजर्ट विद द हेल्प ऑफ वेरियस मॉडिफिकेशन. उन लोग ड्राई और हॉट एनवायरनमेंट में रह सकते हैं बहुत सारे मॉडिफिकेशन की वजह से. दे हैव थिक कक्टाइल ऑन द लीफ सरफेस एंड द स्टोमेटा आर अरेंज टू इट्स डीप पिट्स टू मिनिमाइज वाटर लॉस बाय ट्रांसपिरेशन. उसके पास दे हैव थिक कर्टाइल ऑन द लिप सर्फेस. लिप सर्फेस में बहुत बड़ा मोटा सा कर्टाइल होता है. हाँ, एंड देयर स्टोमेटा आर अरेंज इन सच ए वे, उसका स्टोमेटा ऐसे अरेंज होता है जिससे कि वाटर लॉस कम हो. क्या कम हो? वाटर लॉस कम हो. समझ गया क्या? कैक्टस इन एकेकिया प्लांट्स जो है विद होल्ड हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट एनवायरमेंट ऑफ डिजर्ट विद द वेरियस मॉडिफिकेशन. मतलब वो जो कैक्टा और एकेकिया का प्लांट्स है वो गर्मी में रह सकते हैं कुछ मॉडिफिकेशन के, कुछ चेंजेस के बाद. दे हैव थिक क्यूटाइल ऑन देयर लिप सर्फेस. लिप सर्फेस पे उसको थिक क्यूटिकल होता है. एंड द स्टोमेटा आर अरेंज टू डीप इट्स मिनिमाइज वाटर लॉस. इसका स्टोमेटा जो है डीप में अरेंज होता है जिससे पानी का लॉस कम होता है. इज दिस क्लियर? दिस विल द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन. तो मेन आंसर क्या आएगा, इन लोग हॉट और डिजर्ट एरिया में क्यों रख सकते हैं, क्योंकि बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं. इज दिस क्लियर? उनके पास थिक क्यूटाइल होता है लिप सर्फेस पे, राइट? एंड देयर स्टोमेटा अरेंज इन रॉन्ग मैनर. आपका स्टोमेटा अरेंज रहता है. समझ गया? स्टोमेटा जो डीप में अरेंज होता है जिससे वाटर लॉस कम होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एडॉप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग. ऑर्गेनिज्म के एडॉप्टेशन में सराउंडिंग में क्या फ़र्क है? ऑर्गेनिज्म के एडॉप्टेशन और सराउंडिंग में क्या फ़र्क है? आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज, एडॉप्टेशन इज डिफाइंड एज मॉडिफिकेशन और चेंज इन ऑर्गेनिज्म बॉडी. एडॉप्टेशन का मतलब मॉडिफिकेशन और चेंज होना. कहाँ पे? बॉडी में. एनवायरमेंट इन विच एनिमल सर्वाइव कंसिस्ट ऑफ मेनी डिफरेंट थिंग्स एंड इट मस्ट लर्न टू अडॉप्ट इन सच फैक्टर्स ऑर्डर टू सर्वाइव. और एनवायरमेंट जिसमें एनिमल रहता है, मेनी डिफरेंट अलग अलग चीज़ रहती है, इट मस्ट लर्न टू अडॉप्ट ईच ऑफ दिस फैक्टर्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव. उनको अडॉप्ट करना पड़ता है सर्वाइव करने के लिए. These factors can be in the form of climate, the kind of food plants that grow in, other animals that may be predator or competitors. Factors कुछ भी हो सकता है, climate हो सकता है, kind of food plants हो सकता है जो grow अंदर grow हो रहा है, other animals भी हो सकते हैं, predator और competitors. समझ गया?
तो एडॉप्टेशन मीन्स वॉट? एडॉप्टेशन इज डिफाइंड एज मॉडिफिकेशन और चेंज इन द ऑर्गेनिज्म और बॉडी. हाँ, सेकेंड पॉइंट, एनवायरमेंट इन विच एनिमल सर्वाइव. एनवायरमेंट जिसमें एनिमल रहता है कंसिस्ट ऑफ मेनी डिफरेंट थिंग्स, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं. इट मस्ट हैव लर्न टू अडॉप्ट टू ईच ऑफ द दिस फैक्टर्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव. और उसको अडॉप्ट लर्न करना पड़ता है सर्वाइव होने के लिए. समझ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर एनिमल ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई एंड लिविंग थिंग्स को क्लासीफाई कैसे किए. द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज डेवलप्ड बाय कार्लस लिनियस. जो क्लासिफिकेशन है किसने लाया? कार्लस लिनियस ने लाया. इट रिफर्स टू ऑर्गेनाइजेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू रैंक और इम्पोर्टेंस. मतलब इसने क्या डिफाइन किया कि जो क्लासिफिकेशन होना चाहिए लिविंग थिंग्स का रैंक और इम्पोर्टेंस के हिसाब से होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम किंगडम इज हाइएस्ट रैंक. किंगडम कौन सा रैंक है? हाइएस्ट रैंक है. इट इज डिवाइड टू फाइला और डिविजन. इसको किसमें डिवाइड किया है? फाइला या डिविजन में. विच आर फर्दर सब डिवाइड टू क्लासेज. जिसको फर्दर सब डिवाइड क्लासेस में किया है. फर्दर डिविजन इंक्लूड ऑर्डर फैमिली जीनस एंड स्पेसीज इन दैट ऑर्डर. स्पेसी इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. स्पेसीज जो है बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन का. समझ गया पॉइंट्स. तो हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज डेवलप बाय मिस्टर कार्लस लिनियस. इट रिफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू देयर इंपॉर्टेंस. तो क्लासिफिकेशन होगा ऑर्गेनाइजेशन का और इंपॉर्टेंस के हिसाब से होगा. अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम किंगडम इज द हाइएस्ट रैंक. किंगडम क्या है? हाइएस्ट रैंक है. इट इज डिवाइड इंटू फाइला और डिविजन विच आर फर्दर सब्डिवाइड टू क्लासेज. इसको फाइला और डिवीजन में डिवाइड किया है और उसके बाद में उसको और सब डिवाइड किया हुआ है. इज दिस क्लियर? देन फॉर टुडेज आंसर यू हैव टू राइट द होमवर्क ऑफ दिस फोर क्वेश्चन फॉर टुडेज होमवर्क. राइट, मैं टिक मार्क करा दे रहा हूँ. व्हाई इज द कैमल कॉल्ड द सीप ऑफ डेजर्ट. उसका आंसर रहेगा, इसका आंसर रहेगा कैमल इज कॉल्ड द सीप ऑफ डेजर्ट. फर्स्ट इसको हेडिंग डाल दें. कैमल इज वेरी लॉन्ग लेग्स दैट हेल्प हिम देम टू वॉक इन द सैंड एंड प्रिवेंट द हीट of the sand from reaching their bodies. First point. Second point, they have prominent back or lump. It store food which help to survive without food. उनके पास back और lump होता है जिससे वो without food भी survive कर सकते हैं. Another important adaptation that help to camel to survive in the desert is ability to conserve water. पानी बचा सकते हैं. तो already point wise दिए, तो point wise आपको answer लिखना है. Next question था How does cactus and acacia live in desert area? Desert area में कैसे survive करते हैं? Second question book में दिया है. कैक्टस, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है. कौन सा क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ? दिस द सेकंड क्वेश्चन. हाउ कैन द प्लांट्स लाइक कैक्टस अकेके लिव इन डिजर्ट. डिजर्ट में कैसे रहते हैं? आंसर फॉर दैट क्वेश्चन, कैक्टस एंड अकेकिया प्लांट्स विदस्टैंड हॉट एंड ड्राई एनवायरनमेंट ऑफ द डिजर्ट विद द हेल्प ऑफ वेरियस मॉडिफिकेशन. कैक्टस और अकेकिया प्लांट्स जो है वो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में रह सकते हैं, एनवायरनमेंट में रह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरियस चेंजेस. कुछ चेंजेस की वजह से दे हैव थिक क्यूटिकल ऑन देयर लिप सर्फेस एंड द स्टोमेटा अरेंज इन डीप. उनके पत्ते पे थिक क्यूटिकल लिप सर्फेस होता है. मतलब उनका पत्ते का जो सर्फेस होता है बहुत मोटा होता है. और स्टोमेटा अरेंज इन डीप. और स्टोमेटा जो है पत्ते के एकदम डीप में अरेंज होते हैं टू मिनिमाइज द लॉस बाय ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन के टाइम पे लॉस नहीं होना चाहिए इसके लिए. योर पॉइंट विल स्टार्ट फ्रॉम कैक्टस इन एकेकिया एंड इट विल फिनिश मॉडिफिकेशन. दिस विल बी द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट दे से लेके पूरा लास्ट तक सेकंड पॉइंट है. दो ही पॉइंट का आंसर है. पहला कैक्टस से लेके मॉडिफिकेशन और दे से लेके ट्रांसपिरेशन. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एडॉप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग. एडॉप्टेशन सराउंडिंग में क्या फर्क है, क्या रिलेशन है? द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज एडॉप्टेशन इज डिफाइंड एज मॉडिफिकेशन और चेंज इन ऑर्गेनिज्म और बॉडी. हाँ, एडॉप्टेशन का मतलब होता है बॉडी में कुछ चेंजेस होना, ऑर्गेनिज्म में कुछ चेंजेस होना. एनवायरमेंट इन विच एनिमल सर्वाइव कंसिस्ट ऑफ मेनी डिफरेंट थिंग्स. एनिमल जिस एनवायरमेंट, ऐसा एनवायरमेंट जिसमें एनिमल सर्वाइव कर रहा है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. इट मस्ट लर्न टू अडॉप्ट एंड ईच दिस फैक्टर्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव. हमको हर एक मेथड को सीखना चाहिए और उनके साथ रहना चाहिए सर्वाइव करने के लिए. दिस फैक्टर मे बी इन द फॉर्म ऑफ क्लाइमेट, द काइंड ऑफ फूड प्लांट्स एंड ग्रोन इट. ये जो फैक्टर्स है प्लांट, क्लाइमेट का टाइप भी हो सकता है, काइंड ऑफ फूड प्लांट्स भी हो सकता है जो उसके अंदर ग्रो हो रहा है. इज दिस क्लियर? तो आपका आंसर विल बी स्टार्ट फ्रॉम एडॉप्टेशन से इन्वायरमेंट तक. सेकेंड पॉइंट द एन्वायरमेंट से लेके सर्वाइव तक. टू पॉइंट्स आंसर रहेंगे, एडॉप्टेशन लेके एन्वायरमेंट, द एन्वायरमेंट से लेके सर्वाइव तक. नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन, हाउ आर ऑर्गेनिज्म क्लासीफाइड. ऑर्गेनिज्म क्लासीफाई कैसे किया. द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज फर्स्ट पॉइंट, The hierarchy of classification was developed by Carolus Linnaeus. जो hierarchy of classification Carolus Linnaeus ने डेवलप किया.
It refers to organization or क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर ऑफ रैंक और इम्पोर्टेंस. इसका मतलब होता है क्लासिफिकेशन करना किसके बेस पे, रैंक के बेस पे. थर्ड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम किंगडम इज हाईएस्ट रैंक. किंगडम हाईएस्ट रैंक पे इट इज डिवाइडेड इनटू फाइला डिवीजन व्हिच आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू क्लासेस. इसको फाइला डिवीजन में डिवाइड किया और अगेन उसको सब डिवाइड किया पूरे क्लासेस में. तो हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज डेवलप्ड बाय डॉक्टर बाय कार्लस कैनरिस. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, इट रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन से लेके इम्पोर्टेंस तक. सेकेंड पॉइंट, अकॉर्डिंग से लेके हाईएस्ट रैंक तक. थर्ड पॉइंट, इट इज डिवाइड से लेके क्लासेस तक. फोर्थ पॉइंट, वापस रिपीट करो, हायरार्की से लेके लैमिनस तक. फर्स्ट पॉइंट, लीनियस तक. फर्स्ट पॉइंट, इट रेफर्स से लेके इम्पोर्टेंस तक. सेकेंड पॉइंट, अकॉर्डिंग से लेके रैंक तक. थर्ड पॉइंट, इट इज डिवाइडेड से लेके क्लासेस तक. फोर्थ पॉइंट, दोस्तों टोटल फोर्थ पॉइंट आंसर इट इज. नाउ स्टूडेंट्स, यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दीज फोर क्वेश्चन एज अ होमवर्क फॉर टुडे, ए बी सी डी. वीडियो बार बार सुनो तो समझ में आ जाएगा. कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं. हाँ, इफ एनी डाउट इज देयर प्लीज आस्क. थैंक यू. और ये चार क्वेश्चन एज अ होमवर्क फॉर टुडे आपको करना है. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे.